कोई भी नक्सल अटैक या एनकाउंटर होता है तो हमारे सामने आती हैं उसके बाद की तस्वीरें या वीडियोस, जिसे देखकर अनुमान लगाया जाता है कि कैसे हमले को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन आपको दिखाते हैं एक नक्सली हमले की तैयारी और उसके बाद का वीडियो, जिसे खुद एक नक्सली ने बनाया है। वीडियो राजनांद गांव जिले के कोरकट्टी में 12 जुलाई 2009 को हुई मुठभेड़ का है। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह कई दिनों तक नक्सलियों ने एम्बुश की तैयारी की, पेट्रोल बम बनाए और विस्फोटक लगाए। मुठभेड़ के दौरान जब जब पुलिस जवानों को गोली लगती है, ये शोर मचाकर खुशी जाहिर करते हैं। हमले के बाद नक्सली शहीद हुए जवानों के शव से बंदूक और मैगजीन के साथ गोला बारूद लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हमले को ऑपरेशन विकास नाम दिया गया था। वारदात के बाद नक्सलियों ने जवानों के सारे सामान इकट्ठा किए, जिसमें 7 AK-47, 3 SLR, 14 INSAS राइफल, 925 कारतूस, 12 ग्रेनेड, 22 बुलेट प्रूफ जैकेट, 14 हेलमेट और एक मोर्टार शामिल था। इसके बाद सबने जश्न भी मनाया। वीडियो में 300 से 400 नक्सली दिखाई दे रहे हैं। घटना के करीब 7 साल बाद ये वीडियो एक सरेंडर नक्सली के जरिए मिला है। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।